सर आप क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? हम ये थोड़ी पल्ला झाड़ सकते हैं कि यार मुसलमान नहीं मान रहे थे। सिर्फ मुसलमानों के बच्चे थोड़ी है, हिंदुओं के भी 6-6, 7-7 बच्चे हैं कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है, हम अस्पताल हॉस्पिटल नौकरी नहीं दे पाएंगे। स्टेटमेंट सुनो 2014 से पहले लोगों का स्टेटमेंट, नहीं तो ये सब बाहुबली मिलकर सरकार को ब्लैकमेल करते थे। मैं भारत के संविधान को नहीं मानता। सारे अपराधियों को एकदम लाइन में इसे खड़ा कर दिया है। अटेंशन जी जी सरकार। कहेगा मोदी जी तानाशाह हैं। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी, कह रहा था मोदी जी सर आप क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, तानाशाही कर रहे हैं। एक वीडियो आया था जिसमें उनको बताया गया कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। किसी का भी हो हमें क्या पता, कह रहे थे मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। जब इस देश की अभी इस कमरे में टोटल कितने लोग आ सकते हैं जबरदस्ती ठूस के? 200 लोग। और इस कमरे में अगर तुमने 800 लोग घुसा दिए, मरने की नौबत आएगी कि नहीं आएगी? हैं? जब इस देश की जनता से कहा गया हमारे दो भैया जनसंख्या संभाल के रखना, तब इस देश की जनता मानी नहीं? ना समझ जनता। तो इस नासमझ जनता को समझाने का दायित्व तो किसका था? राजनीतिक दलों का। हम ये थोड़ी पल्ला झाड़ सकते हैं कि यार मुसलमान नहीं मान रहे थे। सिर्फ मुसलमानों के बच्चे थोड़ी हैं, हिंदुओं के भी 6-6, 7-7 बच्चे हैं। आज देश की जनसंख्या क्या हो गई? 1,50,00,000,000। जनसंख्या विस्फोट हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है 1,50,00,000,000। जिस देश में सिर्फ 70,00,00,000 लोग कायदे से रह सकते हैं, उस देश में 1,50,00,00,000 लोग हो गए। तो पहली गलती किसकी? जनता की। उसको नहीं देखोगे, सिर्फ मोदी जी को तानाशाह बोलोगे? जनता की जिम्मेदारी नहीं थी? और चलो नासमझ थी जनता, इनोसेंट थी जनता, नहीं जान पाई। तो बाकी राजनीतिक दलों को जनता को समझाना चाहिए था कि नहीं समझाना चाहिए था कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है, हम अस्पताल हॉस्पिटल नौकरी नहीं दे पाएंगे? तब तो वोट के डर के मारे कोई कुछ बोला नहीं कि करो रुपए दो वोट हमको देना, हाँ आपको देंगे। मोदी को तानाशाह कह रहे हैं। आज कहीं भारतीयता दिखाई पड़ती है? आज भारतीयता खत्म हो चुकी है, इंडियननेस। आज तुम दलित को गाली दे दो अंदर हो जाओगे, ब्राह्मण को गाली दे दो मारने पुतार आएगा, मुसलमान पहले तलवार लिए घूम रहा है। आज दलित खतरे में है, दलित खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है, क्षत्रिय खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान का कोई नाम ही नहीं लेता। आज कोई हिंदुस्तान का नाम लेता है? हिंदुस्तान कहीं गायब, हिंदुस्तान गायब। कितनी विखंडता, कितना डिवीजन पैदा कर दिया। ये सब अगले पिछले 5-6 साल में हुआ है। ये जब विभाजनकारी राजनीति ये पिछले 5-10 साल में हुई है, उससे पहले नहीं थी। और मोदी तो 14 में आए सत्ता में, इकोनॉमी का बेसिक रिफॉर्म्स क्यों नहीं किया? बेसिक रिफॉर्म्स इन इकॉनमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं किया? किसने रोक रखा था? 2014 से पहले किसी ने रोक रखा था? मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, कितनी फैक्ट्री यूपी बिहार में लगवा दी। और उसी बीच दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, पूरी दुनिया डिप्रेशन झेल रही थी, हम भी झेल रहे थे, और मोदी जी के सामने डिप्रेशन के साथ साथ कोरोना भी आ गया। नहीं आया? बताओ नहीं आया? फिर ये इलीगल माइग्रेंट्स, ये बांग्लादेशी नेपाल बॉर्डर से हथियार और नशा, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन,
जब सब कुछ बिगड़ गया तो वो ऑपरेशन नहीं करेगा, कीमो नहीं देगा। अब जब मोदी जी कोई कीमो दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कह रहे तानाशाही हो गया भैया। भैया चारों तरफ तानाशाही चल रहा है, कैसे बोलते थे लोग इस देश में? स्टेटमेंट सुनो 2014 से पहले लोगों का स्टेटमेंट, मैं भारत के संविधान को नहीं मानता। मौलाना बुखारी ने जामा मस्जिद में कहा था, हां मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं, जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। अब बोले कोई? अब बोलो कोई तानाशाही वाही रही है? चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी थी, देखने का पर्सपेक्टिव है सब कुछ। ये देखो, ये पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट तुम्हारे सामने, देखो शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, कहे परसों लाना। अरे भैया इतनी गर्मी में परसों कहां लाएंगे? ये इंडिया को गाली दो कोई नहीं बोलेगा, विभाजनकारी ताकतें इतनी मजबूत हो गई हैं, और ये अभी शुरू हुई है। ये इकोनॉमी का बेसिक रिफॉर्म्स 2014 से पहले नहीं हो सकता था, मोदी ने रोक रखा था। ये हमारे पड़ोसी हथियार, फेक करेंसी, ड्रग्स भारत में डंप कर रहे थे, बांग्लादेशी घुस गए पूरे भारत में बसे हुए हैं, ये सब मोदी ने किया है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी जिसको मोदी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, राजनीति का अपराधीकरण। चारों तरफ जो बड़े बड़े माफिया बाहुबली डॉन बैठे हुए हैं, ये 2014 से बाहर आए हैं सब। ये सब 2014 के बाद आए हैं कि सारे अपराधियों को मोदी जी लेकर आए हैं? सारे अपराधियों को एकदम लाइन में इसे खड़ा कर दिया है। अटेंशन जी जी सरकार, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कुछ बोल दे, नहीं तो ये सब बाहुबली मिलकर सरकार को ब्लैकमेल करते थे। अब जब इतना बीमारी भारत को हो गया तो मोदी ने दिया कीमोथेरेपी, तो बाल तो झड़ेगा, कमजोरी आएगी, ऑपरेशन भी कर रहे हैं तो लोग चिल्ला रहे, अरे भैया बहुत दर्द हो रहा है भैया। मोदी जी की उम्र 73 साल है, योगा होगा करके 93 तक खींच सकते हैं, तो 20 साल उनको अभी और रहना चाहिए, और योगा होगा करना चाहिए उनको, 100-200 बार सूर्य नमस्कार, 200 बार सूर्य नमस्कार में उनकी उम्र घट जाएगी कम से कम 20 साल। ये सब नहीं हो रहा है। तानाशाह कहना बहुत आसान है, किसी आदमी को गाली देना बहुत आसान है, और वो आदमी एंटर नहीं करता ना, ये सारी चीजें इतनी बढ़ चुकी होती, सब कुछ खत्म हो जाता। इलाज कर रहे हैं मिस्टर मोदी।